हेलो, गुड मॉर्निंग सबों को। और मैं रिकी पेट से फिर से स्वागत है आपका। मैं हूँ रिकी और आज मैं कुछ स्पेशल आपके लिए लेके आया हूँ। अभी मैं हमारे पास बहुत सारे पपी आ चुके हैं, तो आई होप कि आप लोग हमारे से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बहुत के कॉल करते हैं 2000-3000 तक में, तो हमारे पास वो उतने नहीं है। हमारे पास स्टार्टिंग होता है 5500 से। जो भी पपी हम देते हैं वो 5500 से स्टार्ट होता है प्राइस, और बाकी ऊपर तक आप लोग जा सकते हैं। और अभी हमारे पास कुछ, ये वीडियो में आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको भी मजा आए। और आज वही है, तो मैं वही करना बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे से लीजिए बच्चे और कॉल कर सकते हैं, जिसमें कि अभी हमारे पास जर्मन शेफर्ड डोबरमैन सारे पप्पी हो चुकी है। हाँ, डलमेशियन नहीं है अभी हमारे पास, डलमेशियन पप्पी नहीं है, तो वो भी कभी कभी आ जाएगा। वो भी एक न, अभी फॉल्स हो गया था हमारा, जर्मन शेफर्ड फॉल्स हुआ और डोबरमैन, ठीक है, डलमेशियन भी हमारा फॉल्स हुआ। तो अब हमारे पास स्मॉल ब्रीड में पोमेरियन है, कल्चर पॉम है, पग है, तो ये सब के लिए आप कॉल कर सकते हैं। बट अभी रेंज थोड़ी सी ऊपर है। आप लोग जो रेंज में सोच रहे हैं कि मुझे कम रेंज में मिल जाएगा, तो थोड़ा सा अभी के लिए माफी चाहता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा बाहर से पप्पी अभी आ नहीं रही है। जो लोकल है पप्पी वो सब बहुत महंगी। हाँ, और एक बात है कि जो डॉग फूड है, डॉग फूड सब हम लेते हैं, वो सब का भी नया रेट आया है, जिस कारण से डॉग फूड भी बढ़ गया प्राइस, वैक्सीनेशन का प्राइस भी बढ़ा हुआ है, और डॉग का ऐसे ही ऊपर चला गया लॉकडाउन के चक्कर में। अब लॉकडाउन खुलेगा तब देखिए कुछ और रेट हो सकता है। तो अभी एक है कुछ हमारी इस वीडियो में, आप देखिए जिन किन्हीं को भी चाहिए था अडल्ट, वो आपको हम दे देंगे अडल्ट, अच्छे क्वालिटी में मिलेगा। और उसमें ऐसा है कि हमारे पास अभी सारे वैक्सीनेशन और जो भी फूड सब आ गए हैं। आप लोग हमारे शॉप आ सकते हैं, जिसका एड्रेस है डंगरे टोली, संध्या सिनेमा, सुने होंगे, बहुत पुराना यहाँ का संध्या हॉल, बहुत बड़ा और पुराना थिएटर था जो अभी SRS के नाम से जाना जाता है। तो आप वहाँ पर पहुँच के, हमारा शॉप वहीं पे है, तो कॉल कर सकते हैं। बाकी पेट्स के लिए भी कॉल कर सकते हैं, जो भी पेट्स होगा हम आपको रिक्वायरमेंट जो भी रहेगा हम उसे कर सकते हैं। अमेरिकन बुली, हस्की, जो भी चाहिए आपको आप हमें कॉल कर, भले हमारे पास नहीं लेकिन हम प्रोवाइड आपको करवा देंगे। कम से कम में जितना भी हमारे से बन सके कम से कम में हम प्रोवाइड करवा सकेंगे। और अभी KSI में नहीं है हमारे पास, आप फादर रजिस्टर्ड KSI तो यूज करते हैं हम लोग। और बाकी आप लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छी होंगी इस बारिश में। और आम तो बहुत सारे आम आ चुके हैं, आम का मजा लीजिए, घर में जाइए, गांव जाइए, आपके जहाँ पर भी आम अच्छे से आप रसीले आम का मजा लीजिए। तो हमारे वीडियो में आप लोग बने हैं, तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि अभी इस मौसम में ज्यादातर डॉग को थोड़ी सी खुजली की प्रॉब्लम आती है, भींगता है फिर सूखता नहीं है, तो खुजली की प्रॉब्लम आती है, जमीन में रहता तो पेट में पिंपल आ जाता है, तो आप लोगों को उनसे थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। और अभी मौसम थोड़ा खराब है, तो उसको जितना हो सके डॉग को सूखा रखिए और घर में ही रखिए। बाकी आप एक दो बार आप उसे बाहर निकाल सकते हैं थोड़ा सा, अगर जिस टाइम बारिश नहीं कर रहा उस टाइम निकाल सकते हैं। और छोटे बच्चे को ज्यादा ध्यान दीजिए ताकि वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के पकड़ ना ले, जिससे कि वो बीमार ना हो जाए। और अभी बीमार हो जाएगा फिर ऐसे भी डॉक्टर लोग जल्दी नहीं मिलते हैं और रहते भी नहीं है, सब बिजी बिजी रहते हैं। तो आई होप कि आप लोग का सारा पप्पी और सब कुछ अच्छा रहे। तो बस हमारे चैनल में यही है, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि रॉटवाइलर, एक अच्छी क्वालिटी के रॉटवाइलर आए हैं, जो शायद मुझे लगता है कोई ब्रीडर होंगे या फिर कोई घर वाले होंगे जो नहीं पाल रहे हैं, उसको पाल नहीं रहे हैं, यानी कि वो शायद होगा, ब्रीडर लोग भी ज्यादातर करते हैं कि वो स्टड यूज कर 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 करके फिर वो जब एज निकल जाता तो उसे बाहर रोड में छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही एक केस अभी हमारे पास आया है, जो कि है बोकारो में। मैं सारा नंबर नीचे दे दूंगा, आप उसको कर सकते हैं। तो एक अभी एक बंदा ने मुझे फोन किया कि उसने बताया कि भैया हमारे यहाँ पर एक रॉटवाइलर मेल जो रोड में घूम रहा था, तो उसको 2-3 दिन से देख रहे थे, वहीं पर पड़ा हुआ था, फिर हम लोग ने उसे घर में लेके आया। तो उनके यहाँ पर और 2-3 डॉग है, तो बोले कि तो मम्मी लोग घर में मना कर रहे, तो उसी ने फोन किया और बोला कि अगर किसी को लेना होगा तो ये फ्री एडॉप्शन है, फ्री।
ये एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री है, सारा कुछ ठीक है। हाँ थोड़ी सी उसने बताया कि शायद उसकी बॉडी में खुजली कुछ है, ऐसे रस्सी स्टेप में, हल्की सी, ज्यादा तो नहीं पता उतना में मुझे। बाकी आप कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हैं, बोकारो में है। अब बोकारो में किस जगह नहीं पता, मैं उनका फोन नंबर आपको डाल दूंगा, आप उनको डायरेक्ट कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बोकारो में है, ये मेल है। आप देखने से तो मेरे को लगता है शायद वो 1-2 साल से ज्यादा का ही है, शायद थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन क्वालिटी अच्छा है। और किसी को अगर ऐसे अडल्ट होगा और लॉयल भी है, क्योंकि ये अपने घर में रखा है तो दिक्कत नहीं हुआ है, तो आप लोग भी रख सकते हैं इसे, अच्छे से खिला पिला के मजबूत और स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आपको वीडियो भी दिखाते हैं, जो हमारे पास मेल आया वीडियो, और वो नंबर भी मैं डाल दे रहा हूँ, ताकि उसको आप कॉल करके, नीचे दिया हुआ ना बॉक्स में आप नंबर देख लीजिए और कॉल कर दीजिए उसको, और पूछ लीजिए सारे डिटेल्स कि क्या प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन ये रांची में नहीं, ये बोकारो में है। बोकारो में आपका लोकेशन बोकारो है, तो मैं चलिए वहां पर मैं दिखाता हूँ आपको डॉग को। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि मेरे पास डॉग है। तो चलिए ठीक है फिर।